हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऑफलाइन फ्री के प्लेटफॉर्म गेम्स बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आप लोगों को ब्यूटीफुल ग्राफिक्स मिल जाएंगी, कुछ एक्साइटिंग पजल्स सॉल्व करने के लिए मिलेंगी, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लेवल्स को कंप्लीट करना होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप इसे देखते हैं एंड तक तो ढेर सारे बोनस स्कीम भी बताऊंगा, इसी बात इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरा दिमाग घूम गया यार, इस सारे के सारे अच्छे प्लेटफॉर्मर गेम्स पेड है। लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, ठान लिया था कि अगर वीडियो बनाऊंगा ना तो फ्री के गेम्स पर ही बनाऊंगा, पेड गेम्स का दिन कोई दूसरा होगा, आज फ्री वालों की बारी है। इसलिए इतनी ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़े और तब जाकर के अच्छी गेम्स मिले भी है, जैसे कि हमारा पहला गेम पैपिलो। यारो, पैपिलो एक एडवेंचरस कोऑप गेम है जिसको आप लोग अपने दोस्तों के या फिर भाई बहनों के साथ में प्ले कर सकते हो। यहाँ आप लोग को 40 से भी ज्यादा चैलेंजिंग लेवल्स देखने के लिए मिल जाते हैं और हर एक लेवल अपने साथ में एक यूनिक पजल लेकर के आएगा। साथ ही ऐसा मान लेते हैं कि आपके साथ में खेलने वाला कोई नहीं है, तब क्या मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, क्योंकि इस गेम की स्टोरी को आप लोग अकेले भी एंजॉय कर सकते हो। साथ ही ये गेम आप लोगों को बीच बीच में सरप्राइज करेगा अपनी ब्यूटीफुल सीनरीज के साथ। गेम की ग्राफिक्स अच्छी हैं और सिर्फ 60 MB का गेम है। ऑनलाइन रहेगा तब जब आप दोस्तों के साथ में खेलेंगे और ऑफलाइन रहेगा तब जब खुद से एंजॉय करेंगे। और रुको भाइयों, अभी तो जो शुरुआत है, आगे आगे देखो कितने तगड़े गेम सारे बाकी है, जैसे कि हमारा दूसरा गेम लिटिल ऑफियस। अगर मुझे प्लेटफॉर्मर पजल गेम्स का कोई किंग बताना हो तो मैं इस गेम को उनका राजा ही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको देखने के लिए नहीं मिलती। पहली ही नजर में आप लोग बोल सकते हैं कि इस गेम के विजुअल्स, जो आसपास की सराउंडिंग्स दिखाई गई है, जो लैंडस्केप्स एंड जो सीनरीज शोकेस करी जाती हैं, वो बहुत प्यारी हैं। और बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है, यहाँ पर आप लोग को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने के लिए मिलती है। स्टोरी के साथ साथ वो पीछे बसता हुआ रिलैक्सिंग साउंडट्रैक और वो पजल्स जिनमें हम लोग हाईली इन्वेस्ट हो जाते हैं, इस गेम को हमें बार बार खेलने पर मजबूर करते हैं। और वो कहते हैं ना, हर अच्छी चीज के पीछे कुछ ना कुछ बुराइयां भी आती है। जैसे इस गेम को ही ले लीजिए, इस गेम का साइज है 5 GB के आसपास, ऑफलाइन तो है बट हर कोई नहीं खेल पाएगा। क्यों भला? क्योंकि बड़े साइज के साथ साथ ये गेम सिर्फ और सिर्फ iOS यूजर्स के लिए ही है, यानी कि अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं, तब आप इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। मैं जान रहा हूँ कि ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, ये निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाले गेम्स बहुत मजेदार हैं, जैसे कि थर्ड गेम Forgotten Anne। अब जो गेम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही बड़ा अवार्ड विनिंग गेम है। अगर आप लोगों को स्टोरी बेस्ड गेम खेलने अच्छे लगते हैं, तब तो ये गेम डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। यहाँ गेम डेवलपर्स हम लोगों से खुद कहना चाहते हैं कि एक सिनेमैटिक एडवेंचरस जर्नी होगी, जहाँ आप लोगों को एक स्टोरी लाइन मिलेगी और बीच बीच में लाइट पजल्स भी आएंगे। क्या आप लोगों को पता है, ये पूरा का पूरा गेम हैंड प्रिंटेड है, यानी कि जो भी ब्यूटी दिखाई जा रही है उसको किसी ने बैठ करके हाथों से एनिमेट किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गेम का जो साउंड ट्रैक है वो भी काफी रिलैक्सिंग है। और रही बात साइज की, तो वो है 1.2 GB, गेम ऑफलाइन है और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर अभी तक नहीं खेला तो इस गेम को लाइफ में एक ना एक बार तो ट्राई जरूर करना। खैर, हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की, जो की है टाइपो मैन मोबाइल। अब भैया, टाइपो मैन तो पूरी तरीके से एक पजल प्लेटफॉर्मर गेम है, जहां आप लोगों को ढेर सारी पजल देखने के लिए मिल जाएंगी और उनको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोगों ने यकीनन एक गेम के बारे में सुना होगा जिसका नाम है लिम्बो। बिल्कुल सिमिलरली उसी टाइप का एक्सपीरियंस ये गेम आप लोगों को देने वाला है। ऊपर से गेम ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सिर्फ 315 MB का गेम है, ऑफलाइन है, और कब ये शब्दों से बना हुआ कैरेक्टर एडिक्टिव बन जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और रही बात फिफ्थ गेम की, तो वो है टॉय ओडिसी लॉस्ट एंड फाउंड। पता है इस गेम के अंदर ऐसी कौन सी यूनिक बात है जो कि अभी तक आए गेम से इसको बिल्कुल अलग बनाती है? वो है पजल के साथ साथ एनिमी फाइट्स। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर आप लोगों को ढेरों पजल्स तो देखने के लिए मिलेंगी ही, लेकिन उनके बीच में आप लोग 300 से भी ज्यादा टाइप के एनिमी से फाइट करेंगे। सिर्फ फाइट ही नहीं, अपने रूम यानी बेस को डिफेंड भी करते हैं। और रही बात गेम के साइज की, तो वो है 275 MB, गेम ऑफलाइन है और गेम की ग्राफिक्स बहुत प्यारी है। और पता है क्या प्यारा है? हमारा नेक्स्ट गेम प्लेडेट्स इनसाइड। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गेम को उन्हीं क्रिएटर्स ने बनाया है जिन्होंने लिम्बो को डिजाइन किया था, तो आप लोग समझ के चल सकते हैं कि यहाँ हमें किस लेवल की स्टोरी और किस लेवल की पजल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। और यकीनन ऐसा होता भी है। इस गेम की जो विजुअल्स हैं, वो पर्सनली मुझे काफी पसंद आते हैं, डार्क के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन भी है। ये एक 2D पजल प्लेटफॉर्मर गेम है जिसकी पजल्स आप लोगों को जिंदगी भर याद रहेंगी, इसीलिए नहीं क्योंकि
बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो इतनी ज्यादा एंगेजिंग है कि आपका दिमाग उनमें पूरी तरह लग जाता है। और रही बात गेम के साइज की, तो वो है 1.3 GB और ये भी एक ऑफलाइन गेम है। और इस सुभाईदार वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है नाइस क्वेस्ट किंड्रेड स्पिरिट। इस गेम का जो नाम है ना, ट्रस्ट भी बड़ा सा ही खतरनाक है यार, कितना वियर्ड है। ये बड़ा ही भयानक सा एडवेंचरस गेम है भैया, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्टोरी और फाइटिंग दोनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ आप लोगों को नॉर्स माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स और एंशिएंट ग्रीस की सभ्यता दिखाई जाएगी। सिर्फ इतना नहीं, ज्यूस और ओलंपस की पावर्स देखने के लिए मिलती है, जिनका इस्तेमाल करके हम लोग बड़े बड़े बॉसेस से फाइट करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गेम के अंदर आप लोगों को एक स्टोरी भी देखने के लिए मिलती है, जिसको थ्रू आउट दी जर्नी आप लोग फॉलो करते हैं। और ऊपर से गेम का साइज भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 100 MB का गेम है। और रही बात इर्द गेम की, तो वो है ऑडमार। अब इस गेम के बारे में तो मुझे आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं। जब भी बात प्लेटफॉर्मर गेम्स की चलती है, तो इस गेम का नाम कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को वाइकिंग्स की स्टोरी दिखाई जाती है। 24 ब्यूटीफुल हैंडक्राफ्टेड लेवल्स मिल जाते हैं और बहुत ही ज्यादा रिमेम्बरिंग गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलता है, वो भी सिर्फ 570 MB के साइज में। ऊपर से गेम ऑफलाइन भी है। और ये लीजिए भैया, देखते ही देखते हम लोग आप पहुंचे वीडियो के सेकंड लास्ट गेम की तरफ, जो कि है डेड रेन 2 प्री वायरस। भाई पूरी वीडियो निकल गई, लेकिन अभी तक कोई तगड़ा एक्शन वाला गेम तो आया ही नहीं, जिसके अंदर आप लोगों को शूटिंग करने के लिए मिले। और इसीलिए चलिए मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ डेड रेन 2 गेम से। यहाँ आप लोगों को ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए मिल जाएगा, ढेर सारी पजल्स मिलेंगी, बहुत सारे बॉसेस से लड़ने के लिए मिलेगा, लेकिन एक चीज बरकरार रहेगी थ्रू आउट दी जर्नी, जो कि है कमाल का एक्शन। और मजेदार बात यह है कि इस गेम का साइज है सिर्फ और सिर्फ 90 MB। सोचिए 100 MB से कम का गेम है और ऑफलाइन भी है। और अब लास्ट गेम की बात करने से पहले जरा कुछ बोनस गेम बता देता हूँ, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों से प्रॉमिस किया था। जैसे भैया ब्रॉल हाला पीसी एंड कॉन्सोल्स पर मस्ती करने के बाद, अब ये गेम मोबाइल पर भी आ चुका है, जहां आप लोगों को अप टू 8 प्लेयर्स तक का कमाल का PvP एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। और दूसरा गेम है माई फ्रेंड पेड्रो, ये गन शूटिंग गेम है बट विद अ स्टाइल, जहां आप लोगों को सभी चीजें बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग और दिमाग के हिसाब से करनी होती है। तीसरा है बैडलैंड्स। अब भैया इस गेम को कौन नहीं जानता, जब लोगों ने नया नया अपना फोन खरीदा ही था, तभी से इस गेम को लोग खेलते आ रहे हैं। ये सबसे कमाल का और बहुत ही एडिक्टिव गेम है। एंड लास्ट है बनाना कॉन्ग 2, ये सीक्वल है बनाना कॉन्ग गेम का, और इस बार भी ये लोग बहुत ही अच्छे विजुअल्स के साथ हम लोग को एक एडवेंचरस जर्नी पर लेकर के जाएंगे, जहां हर पल मस्ती और बहुत ही फन होने वाला है। बोनस गेम हुए समाप्त। तो चलिए फिर इस सुभाईदार वीडियो को अंत करते हैं, यानी की बात करते हैं 10th गेम की, जो कि है नन अदर देन ग्रिम वैलोर। इस गेम को लास्ट तक बचा करके रखने के पीछे का रीजन था एक कंप्लीट पैकेज आप लोगों को देना। इस गेम ने जितने रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स जीते हैं, अगर मैं वो गिनवाने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हमें उससे क्या, हम बात करते हैं एक्चुअल गेम प्ले की। यहाँ आप लोगों को बहुत कमाल का एक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, हर प्रकार की वेपन आप लोग चलाएंगे, सामना करेंगे छोटे से लेकर के बड़े बड़े बॉसेस का। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ये गेम आप लोगों को देने वाला है, जिसमें बहुत अच्छी स्टोरी होगी, ढेर सारी पजल्स होंगी, काफी तगड़ा एक्शन देखने के लिए मिलेगा, और एक्सप्लोरेशन को कैसे भूल सकते हैं। सो मेरे भाइयों, अब आप ही बताइए कि गेम से जितनी भी चीजें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो सब मिल जाए तो और क्या चाहिए। और हाँ, जाते जाते साइज भी बता देता हूँ, वो है 660 MB और ये भी एक ऑफलाइन गेम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ऐसा है तो फटाफट से कर दीजिएगा एक लाइक, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जरूर बताना, या आप लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। देखते रहिए प्रोटेक्ट, मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।